यार सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना जल्दी उठ के। संडे वाले दिन बकवास, बहुत घटिया लगता है, बहुत घटिया लगता है। संडे वाले दिन को लेट उठना चाहिए, किसी को भी जल्दी नहीं उठना चाहिए, तो बैड फीलिंग सच्ची में। और मैं हमेशा, मुझे जल्दी उठना पड़ता है हमेशा। और मैं अभी बाहर बैठती हूँ तो सामने मेरे गेट है, तो लोग आते जाते मुझे देख रहे हैं कि क्या फ़ोन में देख के बकवास करती है। तो अभी चलो ठीक है यार, देख रहे हैं, देखते रहे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे अपने अपने घरों में और सो रहे होंगे, क्योंकि मैं तो उठ के बैठ गई हूँ, लेकिन आप लोग आई नो सो रहे होंगे क्योंकि मेरे घर में बाकी सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ मेरे को एक आग लगी हुई है जल्दी जाने की, मतलब जल्दी उठने की। ऐसे मुझे आग वाग कुछ नहीं लगी हुई है जल्दी उठने की, बट द पॉइंट इज कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं संडे वाले दिन ना यार, कि मतलब मैं, और ये बॉर्नविटा का डब्बा मेरा है पीछे पड़ा हुआ, ये मैंने कहा गया कैमरा भी नहीं पकड़ना था रे बाबा, ये बॉर्नविटा मैंने खाया था, डब्बा खाली करके मैंने यहाँ रख दिया। हाँ मैं खाती हूँ बॉर्नविटा, तो इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा। सो ऑलराइट, तो क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं संडे वाले दिन जल्दी नहीं उठूंगी, मैं लेट उठूंगी, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन हमेशा क्या होता है ना कि हमेशा या तो मुझे कुछ ना कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल, हमेशा कुछ ना कुछ काम होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। अभी संडे नया ड्रामा ये था, ये मेरे चाचू की साइकिल है बाबा आदम के ज़माने की, तो हर संडे ऐसा होता कि लाइक कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कराना है एंड ऑल दैट। अभी संडे ये था कि ये देखो ये राक्षस बनी हुई हूँ मैं, इसमें कैमरा में कम दिख रही होंगे, तो मुझे वैक्सीन कराने जाना था। और सीन ये है कि अगर मेरे पास दिन में भी टाइम है आई कैन गो, बट लिटरली ऐसा होता ना कि अगर मैं मतलब 11 बजे जाऊँगी तो वही बात है, बस 12:30 बजे आऊँगी एंड ऑल दैट, सारा दिन निकल जाता है, फिर घर आके नहाऊंगी ये वो, तो सारा दिन वेस्ट होता है उसमें। तो आई थॉट कि ठीक है यार, सुबह सुबह 8 बजे जाओ, 9:30 बजे तक आ जाओ, उसके बाद नहाओ धो आराम से और मस्त अपना संडे वाला दिन चिल आउट करके निकालो। तो मैं उसी के लिए जल्दी उठी हुई हूँ और मेरा पति सो रहा है आराम से, तो खाती हूँ तुम लोगों को कैसे खराटे मार मार के सो रहा है ना वो। तो मैं घर से चल पड़ी हूँ पैदल पैदल वैक्सीन कराने के लिए, मतलब मैं उनको बोल रहा था कि यार स्कूटी निकाल देता हूँ यू एंड ऑल दैट, बट आई थॉट कि नहीं यार ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी सिर्फ 7:30 हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सी बहाने वॉक हो जाएगी, मेरा माइक चल रहा है ना हमेशा की तरह, वरना मैं बकवास करती रहती हूँ और माइक नहीं चलता है उसके बाद। तो पहली बार मैं सड़क पर लेके चल रहा चल रही हूँ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, कि डेली व्लॉगिंग करने के लिए बंदे को इतनी आदत होनी चाहिए, वरना आई ऑलवेज फील लाइक एम्बैरेस्ड कि यार मतलब लोग देख रहे हैं ये वो, बट आई थिंक आई रियली नीड टू किस फियर से बाहर निकलना, मतलब इट्स नॉट लाइक अ फियर, इट्स लाइक इट फील्स वेयर्ड कि यार मतलब क्या ही कहानी है। अभी भी एक सामने वाली आंटी मुझे देख रही है, मतलब ऐसे जैसे पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ मतलब वैक्सीन करवाने वाली के, वो घर पे कर रही है एक्चुअली क्योंकि दिन तो मैंने चढ़ने ही नहीं दिया ना कि बेचारी पहुँच पाए कहीं तक। तो अभी इट्स रियली पेनफुल प्रोसेस है, तो मतलब ऐसा कोई बंदा होगा सुबह सुबह 8 बजे मतलब अपना मतलब लाइक खुद को उखड़वाने चल पड़ा होगा सड़क पे कि ठीक है, बट सीरियसली यार इट वाज लाइक काफ़ी दिन हो गए थे और मुझे बहुत मतलब परेशानी हो रही थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। तो मैं चल ठीक है यार 1.5 घंटा लगेगा अपना, थोड़ा उसके बाद हल्का हल्का महसूस होगा, सो दैट इज़ अ रीज़न। तो पार्लर वाली का मतलब जो वैक्सीन वाली है उसका घर आ गया है, तो अभी मैं फटाफट जाके वैक्सीन करा जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। और प्लीज़ मुझे हिम्मत मिले सुबह सुबह दर्द सहने की इतना ज़्यादा, और कोई नहीं उठा, जो 2-4 लोग उठे हैं वो मुझे पागलों की तरह देख रहे हैं कि क्या कर रही है सुबह सुबह। ठीक है पक्के फटाफट मिलते हैं, बाय। वैक्सीन करा के मैं आ गया फाइनली, एंड 2 घंटे का दर्द सहने के बाद भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इट्स रियली हार्ड यू नो कि 2 घंटे तक पेन सहना, बट स्टिल आई मीन लाइक ब्यूटी कम्स विद पेन राइट। तो अब ये है कि एटलीस्ट आई लिटरली आई एम फीलिंग लाइक कि मेरे ऊपर से ना मेरा वेट मतलब कम हो गया, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मेरा ना वेट बहुत कम हो गया, आई मीन लाइक क्या है? और ग्लो कितना अच्छा आ रहा है ना फेस पे, धूप पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है। बट ठीक है अभी मैं बस घर पहुंचने ही वाली हूँ, उसके बाद देखते हैं घर जाके कुछ खाते हैं बनाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है मुझे और बहुत दर्द हुआ बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, इट वॉज़ रियली पेनफुल, बट ठीक है यार मैं बस सारा दिन फ्री, अभी सिर्फ 9:30 हुए हैं और मैं सारा दिन फ्री हूँ, आराम से घर जाके नहाऊंगी मस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी एंड देन उसके बाद कुछ खाते पीते हैं बढ़िया तरीके से। तो भी चलो फटाफट घर चलते हैं क्योंकि मैं बोलते बोलते थक गई हूँ सड़क पर चलते चलते, एंड मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको सांस चढ़ने लग जाती है लाइक चलते चलते बोलते बोलते, तो अभी फटाफट से घर चलते हैं। पहले तो क्या कर रहा है, दिवाली की सफाई शुरू कर डाली क्या तूने? फाइनली हमारे कोई जाला दिख ही गया जो हमारे को 6 महीने से दिख नहीं रहा है। इधर मुकर के शक्ल तो दिखा आपने, हैं जाले साफ करते हुए, इधर देख
आज सफाई अभियान चल रहा है। अरे नहीं, जाले तो मैंने तेरे को 6 महीने पहले के दिखाए हुए हैं कि जाले लगे हुए हैं, ये उतारने हैं आपने। फ्री नहीं थे, क्या कर रहे थे ध्यान से? पॉसिबल तो भी मेरे को ये नहीं समझ आता मैं क्या पहनूं। मैंने निकालना तो कुछ और था पहनने के लिए, बट देन आई थॉट कि कुछ और पहनते हैं अभी वो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि बोलनी सा है, ठंड लगेगी। तो आई एम थिंकिंग टू वेयर दिस शॉर्ट ड्रेस, और ये मैंने मंगाई थी मिंत्रा से, मुझे पड़ी थी 1700 कुछ की थी, बट लाइक अमेजिंग है, मतलब बहुत अच्छी है। और आई एम थिंकिंग टू वेयर, क्योंकि अभी वही बात है कि ये कट स्लीव वाली है तो कम्प्लीटली तो पहन नहीं जाएगी, सो आई एम थिंकिंग टू वेयर ये वाला श्रग साथ में इसके ऊपर, कि श्रग पहन लेती हूँ। ये मैंने किसी लोकल मार्केट से खरीदा है, कहाँ से खरीदा है वो मुझे याद नहीं। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि कलर डिफरेंस सच में आता है क्या, ट्राई करूँ मैं। लेकिन यहाँ पर मैंने अरे मेरा पति आ गया भाई, मेरे टांग आने के लिए, अरे पता नहीं क्या फेंक के अपनी परछाई से दिखा के वापस जा रहा है, या तो अंदर हो गए या पार हो गए, ड्रामे तो करो मत। सो ऑल राइट, दिस इज हाउ इट लुक्स, ऐसा लग रहा है नीचे से ये शॉर्ट है, देखो मैं इतना प्यार उठा के दिखा देती हूँ। तो अभी इसके नीचे मुझे पेयर अप करना है विद माय वाइट स्नीकर्स हैं या क्या है मुझे नहीं पता, स्निकर्स ही आई थिंक कहेंगे उन लोग, क्योंकि वो लेजेस वाले तो नहीं है, बट जो भी है यार, मतलब प्यूमा के उनके साथ उनको पेयर अप करते हो ना, आई थिंक हम लोग मुझे कम्फी सा भी लग रहा है थोड़ा सा, कि ठंडी भी नहीं लग रही है और गर्मी भी नहीं लग रही है। जो मैंने पहले उठाया था उसमें मुझे आई थिंक वुलन वाले में काफ़ी गर्मी लगने वाली थी, तो दिस वन इज गुड। अभी फटाफट इसको पेयर अप कर लेते हैं शूज के साथ, एंड देन उसके बाद अपना स्किन केयर विम केयर और थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, एंड देन उसके बाद फिर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। सो दीज आर द प्यूमा के वाले स्निकर्स ही है ना, आई थिंक स्निकर्स वाले रुक के देने, चलो जो भी है यार। तो दे वाले ये वाले शूज़ हैं जिनका मैं इनको पेयर अप करने वाली हूँ, था जो मतलब आपको नीचे से दिखा नहीं पाई थी, सो आई थिंक इसका अच्छा पेयर अप करके जा रहा है, बाकी अच्छी फटाफट से रेडी हो जाते हैं। और ये हमेशा ऐसा होता है कि ब्लश लग जाता है, देन यू रियलाइज करे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम करो, तो पहले ब्लश को लगाते रहो फिर उसको उतारते रहो, बस यही काम के रह जाता है जिंदगी में ना, माई गॉड। तो मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं छोटू छोटू से वाले, मेरे पास ये स्टोन वाले वो हैं इयर रिंग्स, ये मैं पेयर अप करूँगी, और इसको साथ में मैं ये जीवा का, मेरे पास एक जीवा का मेरे पास एक नेकलेस है, मतलब पेंडेंट वाला नेकलेस है, तो उसके साथ इसको पेयर अप करते हैं, ये वाला लुक एट दिस। तो ये बहुत अच्छा लगता है, स्टार से वाला है ये, आई रियली लव इट। मैं पहले इसको पहनती थी, बट फिर मैंने मंगलसूत्र पहनना शुरू कर दिया, फिर दो दो चीज़ें साथ में वो थोड़ी सी हैवी सी हो जाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है दो दो चीज़ें गले में पहनना, तो अभी फटाफट से ये पहन लेते हैं। आई थिंक सिल्वर के साथ ये बेटर जाएगा रादर देन गोल्ड के, राइट? तो लेट्स जस्ट वेयर इट, आई शुड गो विद दिस, ये बेटर लग रहा है। मैंने गोल्ड वाला लगा कर ट्राई किया था, बट वो बहुत हैवी से लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं क्या ही पहन लिया, लाइक मतलब इतना ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं लग रहा था। अभी दीज वन आर लुकिंग गुड, ये देखो साथ में इसके पेयर अप करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक आई एम ऑल रेडी, अभी मुझे नहीं लगता कुछ रह गया, अभी से मंकू आएगा और उसको तैयार होगा, उसके बाद फटाफट से चलते हैं, वहाँ भी चले जाएंगे, पहले बाहर का खा लेंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, लिटरली खा रहा है तो खाने की सोच तो राधा आपने नाम ले दिया तो वहीं चले जाएंगे। बकवास, घर से ये बंदा चला था, मैंने उसको बोला मैं छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, छोले भटूरे खा लेते हैं, और इतना घटिया इंसान है कहता कि नहीं छोड़ दे, सरोज के ढाबे पे चलते हैं, फ्री में मिलेगा वहाँ पे, वहाँ यहाँ पैसे देने पड़ेंगे। तो ठीक नहीं है। क्या ठीक है? ठीक नहीं है ये चीज़, बाहर का गंद खाने से अच्छा घर का साफ सुथरा खाना मिले, जाके खाएंगे ना यार। पॉइंट साफ सुथरे का नहीं होता, पॉइंट एक सिंपल सा ही होता है कि चलो कभी बाहर का खाना खा लेना चाहिए ना यार, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती ना, जहाँ फ्री मिल रहा है लंगर पे खाने चले जाओ। ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। की बना दीदी की मैं कदर वीडियो बना लवा, मेरी मां मेरे से मक्की की रोटियां बना देगी। हां वीडियो बन देगी, वीडियो भी बन देगी और भी बनना है। तो कहने से बोल लेते हैं, वीडियो है सारा सब बोलना आता है, इस टाइम शाम के 6 बज चुके हैं एग्जैक्ट, और मैंने आज के दिन का कुछ कंटेंट शूट नहीं किया, मतलब मुझे था कि मैं बहुत कुछ शूट करूंगी, बहुत कुछ डालूंगी इस वीडियो में, लेकिन मैं सारा दिन इतनी 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 ज़्यादा बिजी थी कि मुझे कैमरा उठाने का टाइम तक नहीं लगा कि मैं फ़ोन को उठाऊँ ना, लाइक
कुछ भी शूट करूँ वगैरह वाली चीज़, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा एंड आई एम रियली 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 सॉरी फॉर दैट। और क्योंकि मम को वीडियो में नहीं आ पा रहा तो आई नो कि वो क्रिस्प वीडियो में नहीं है, क्योंकि जो बकवास वो करता है वो बकवास मैं उस लेवल पर आगे नहीं कर सकती, अकेले तो नहीं कर सकती एटलीस्ट, मतलब साथ में होता तो फिर मैं उसके फ्लो में फ्लो लाइक हो जाता है। तो अभी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगेगी। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ ना कुछ यू नो डेली जो भी मैं कर रही हूँ मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी 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 लगी होगी थोड़ी सी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ भी आपको मुझे कहना हो पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई रियली वॉन्ट कि मेरी फैमिली अच्छे से ग्रो करे और मैं जितना हो सके उतना इंटरेक्ट कर पाऊँ आप लोगों के साथ। और कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हुए थे लाइक मतलब कमेंट्स में पुरानी वीडियोस में दैट की इंस्टाग्राम वगैरह का हैंडल लिंक और फेसबुक का हैंडल लिंक, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बाकी मैं यहाँ पे नाम भी मैंशन कर दूंगी। अंकिता जुनेजा के नाम से ही है मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों पे, तो आप लोग मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो, आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद योर गाइस। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और प्लीज़ आप लोग अपने घर में खुश रहिए, और मौसम चेंज हो रहा है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, थोड़ा अच्छे अच्छे वुलन वाले कपड़े पहन के रखो। अभी सुबह जब मैं गई थी तभी इतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मुझे थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी। तो अब भी आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो कि और कितनी सारी यू नो बीमारियां चल रही है, डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, तो आप लोग प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखो, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छे से बना के रखो ताकि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो वो आपको बिना बताए चली जाए और आपको पता भी नहीं लगे। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, बाय।